नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि बीवी को हम बिस्तरी के लिए कैसे तैयार करें। कौन सी ऐसी जगह है जहां हाथ लगाने से बीवी की ख्वाहिशात उभरेंगी और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी मेरे साथ हम बिस्तरी के लिए तैयार हैं। तो आज मैं इसी मौजू पर बात करने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको बहुत फायदा होगा। तो नाजरीन, बाज दफा ऐसा होता है कि कभी शोहर का दिल और कभी बीवी का दिल नहीं चाहता हम बिस्तरी के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि जब तक आप दोनों मियां बीवी हम बिस्तरी के लिए तैयार ना हो, तो एक दूसरे को हम बिस्तरी के लिए मजबूर ना करें। नाजरी, मैं आपको फहाशी की बातें नहीं बता रहा। आप अपनी बीवी को अपनी बाहों में लें, उसके साथ बोसो किनार करें, उसे गले से लगाएं, उसके जिस्म पर हाथ फेरें और बीवी को पहले हम बिस्तरी के लिए तैयार करें और फिर खुद भी तैयार हूँ। बाज दफा औरतें जल्द मुबाशरत के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि औरतें काफी हद तक शर्मीली होती हैं और अपने शोहर से कुछ नहीं कहती। इसलिए बीवी को पहले हम बिस्तरी के लिए तैयार कर लें। औरत की कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप हाथ लगाएंगे तो बीवी की ख्वाहिशात उभरेंगी। एक तो औरत के पस्तान, मर्द अगर बीवी के पस्तान चूमेगा, उनसे बोसो किनार करेगा, उसे सख्त करेगा, तो ऐसी सूरत में बीवी के जज्बात बहुत जल्द उभरेंगे और फिर वो हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाएगी। अब अगर औरत का हम बिस्तरी का दिल कर रहा हो तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि औरत तो अपनी जुबान से नहीं कहेगी कि मेरे साथ सेक्स करो। लेकिन बीवी जब आपकी छाती पर अपना सर रखे या फिर कुछ खास निशानियां जाहिर करे, तो शोहर को समझ जाना चाहिए कि बीवी हम बिस्तरी के लिए बिल्कुल तैयार है। आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने प्यार के इजहार में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।